हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एयरफोन होता है वो ख़राब कैसे होता है और क्यों होता है, और इसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड होता है और जो एयरफोन का होता है और वो क्या होता है और लेफ़्ट राइट के साउंड क्या होता है। ये हमारे पे आप देख रहे हैं कि चार तार हैं, इसमें है ग्रीन है, रेड है और एक कॉपर का है और एक ब्लू है। तो ये चार तार होते हैं और ये चार तार जो होता है जो लीड में जो ओरिजिनल लीड होती है, लोकल लीड होती है, वो तार जो होते हैं वो जहाँ से आप मोबाइल के अंदर आप डालते हैं तो यहाँ से ये टूट जाते हैं। तो इसमें चार पॉइंट आपको इसमें दिखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपको आयरन से इसको चारों पॉइंट को हल्का हल्का सा जला लेना है। हमें हमारा पे हमारा ये पहले से जला हुआ था तो हमने इसको आयरन से इसको हल्का हल्का इसके अंदर थोड़ा सोल्डरिंग हल्का हल्का लगाना है ताकि हम इसमें जब लगाएं तो अच्छे से ये लग जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि ये बिल्कुल जला हुआ होना चाहिए। अगर आपका ये जला हुआ ना हो तो आप माचिस से या मोमबत्ती से इसको हल्का सा जला सकते हैं और जलाने के बाद हल्का सा रगड़ के तब ये कॉपर ये साफ़ हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन होता है। तो सबसे पहले आपको इसको चारों पॉइंट को इस प्रकार से आपको लगाना है और ये आप देख रहे हैं प्लास है, प्लास के पीछे हिस्से में आपको यहाँ पर रबड़ लगा देना है। रबड़ लगाने के बाद आगे इसको इस प्रकार से आपको फंसा देना है। तो चारों पॉइंट आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा और इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि ये बिल्कुल सही से लगना चाहिए, आपस में ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो आपको सबसे पहले याद रखना जो पीछे वाला जो सिरा है, सबसे पहले यहाँ पे आपको हरा तार लगाना है, अच्छे से लगाना है, बिल्कुल टाँका बिल्कुल सही होना चाहिए। और हम ये इसमें जो हरा तार है इसको इस प्रकार से आपको हल्के से हल्का सा लगाना है और ये ध्यान देंगे ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए और जो आपका आयरन हो बिल्कुल पतला हो, पतले नुक का हो ताकि अच्छे से लगे। और आप देख रहे हैं कि हमने ये हरा वायर इसके अंदर लगा दिया है और जो ये सेकंड नंबर पे इसको हमें रेड को है, रेड को लगाना है। और ये हमारा जो थर्ड नंबर पे है इसको हमें कॉपर वाला जो कलर का तार होता है, कॉपर कलर का, इसको यहाँ पर लगाना है थर्ड नंबर पर। और फोर्थ नंबर पे आपका देखना है ब्लू वाला लगाना है इस प्रकार से। आप देख रहे हैं हमने बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसे लगाया है, आपको भी इसी प्रकार से लगाना है। आप देख रहे हैं कि हम इसको पास से आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार से बिल्कुल ये लगना चाहिए और ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और ये हमारे पास ये देख रहे हैं ये एमसील है, ये 10 रुपये का मार्केट में मिलता है। तो आप इस चीज़ को दोनों को इसको निकाल लेना है और आपस में इसको रगड़ के इसको मिक्स कर देना है। और लेकिन मिक्स करने से पहले इसको हम इसको चेक करके देखेंगे कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि हम पता चले हमने पहले ही लगा दिया हो तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो आप चीज़ को इसको पहले इसको अपने फ़ोन में चला के देख लें कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो ठीक है, आप इसको इंसुलेशन कर सकते हैं। और अगर इसमें एक से एक तरफ आवाज़ आता है और एक तरफ नहीं, एक तरफ आता है एक तरफ नहीं आता है, तो आपको इसको जो ये रेड तार है और ये ब्लू तार है इसको अदला बदली कर देंगे तो ये चल जाएगा। तो उसके बाद जो हरा तार है, हरा तार के बाद आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ब्लू तार लगा रहे हैं। ब्लू के बाद ब्लू को इस प्रकार से लगाना है, कॉपर का लगा हुआ है। अब इसके बाद चौथे नंबर पे हम ये रेड तार लगाएंगे क्योंकि हमें प्रॉब्लम ये थी कि एक में आवाज़ आ रहा था एक में नहीं आ रहा था। तो अब आप देखेंगे इसके बाद चेंज कर देंगे तो ये दोनों में ही आवाज़ आएगा और आपको चेक करना है, ज़रूरी है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने दोबारा से इसको लगा दिया है चेंज करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट पे हमारा हरा है, दूसरे पे ब्लू है, तीसरे नंबर पे कॉपर कलर का तार है और चौथे नंबर पे ये हमारा रेड तार है। तो आप इसको फिर लगा के चलाएंगे और देखेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमने इसके अंदर लगा के चेक कर लिया, ये चल रहा है। उसके बाद हमारा ये जो एमसील है, एमसील को यहाँ पर दोनों जिसके अंदर जो होते हैं इसको आपस में मिला लेना है थोड़ा सा, और इस प्रकार से आपको थोड़े थोड़े टुकड़े ले रहे हैं और मिक्स कर देना है। सबसे बड़ी बात होती है जो एयरफोन हमारे ख़राब होते हैं, हमारा वो एयरफोन को मोबाइल से निकालते हैं तो वो खींच जाता है जिसके कारण वो तार टूट जाते हैं और तार टूटने के कारण वो ख़राब हो जाता है तो लोग फेंक देते हैं। तो आप फेंकी नहीं, आप इसको इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हल्का सा अगर आपके पास टेप हो तो इसको टेप लगा के एलफी लगा देंगे। एलफी लगाने के बाद ऊपर से आप एमसील लगा देंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और ध्यान दें कि तार जो है आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। अगर तार शॉर्ट होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तार टूटने नहीं चाहिए इसको आप। और ये हमारा एमसील है, एमसील को हमने मिला लिया था आपस में और इस प्रकार से हल्का सा इस पर हमें एमसील को इस प्रकार से लगा देना है ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, ताकि आप इसे बाहर निकालें तो ये आराम से इस पकड़ के निकाल दें। और इस प्रकार से आपको एमसील इसमें लगाना है। ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने लगा दिया है। और जो दूसरी बात होती है, जो इसमें हमारा जो ग्रीन तार होता है वो लेफ़्ट का होता है और जो हमारा जो रेड का सेकंड नंबर का होता है वो रेड तार वो हमारा राइट साउंड का होता है, लेफ्ट आउट का साउंड हो गया है। उसके बाद हमारा जो कॉपर कलर का तार होता है वो हमारा ग्राउंड होता है और जो हमारा जो लास्ट वाला तार जो बताया ब्लू कलर का वो चौथे नंबर पर लगा है, वो हमारा माइक्रोफोन का होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि ये चार तार
कौन कौन से होते हैं हमने ये आपको बता दिया है। और इस प्रकार से हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें, और आप देख रहे हैं कि एम सील को इस प्रकार से हमें यहाँ पर लगाना है, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्लेन से अच्छी सी फिनिशिंग देनी है एम सील की, और उसके बाद हमें सूखने के लिए छोड़ देना है। और एम सील लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि हमने फिनिशिंग के लिए अच्छे से ध्यान दे रहे हैं ताकि ये देखने में अच्छी लगे। इस प्रकार से आपको भी करना है, और उसके बाद हम एयरफोन में चला के देखेंगे कि हमारा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारा ये कनेक्ट हो चुका है, और इसके बाद आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने इस फिनिशिंग कर दिया है। अगर कोई भी हल्का सा दिक्कत हो तो हल्का सा इस पर एलपी वगैरह लगा दें, ताकि आप एलपी वगैरह लगा देंगे तो ये